अभी इस सत्र के बजट में आपको क्या लगा, क्या रिलीफ लोगों को मिला, आम जनता को, आपकी क्या अपेक्षा है, आपके बजट के बारे में क्या सोच है? सरकार की जो अभी तक काले धन को रोकथाम करने की जो मंशा थी वो इस बजट में साफ साफ जाहिर हो रही है। जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन की जो कैश की लिमिट थी वो 2000 रुपये पर पर्सन कर रखी है कैश की। अब उससे ज़्यादा जो भी आपको अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी पड़ेगी तो उसको चेक से एक नंबर में ही पैसा लेना पड़ेगा और सारे रिकॉर्ड अपने जाहिर करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो पहले 20,000 रुपये से कम तक के हम कैश ट्रांजेक्शन कैश में खर्चा कर सकते थे वो भी कम करके 10,000 रुपये कर दी है। तो इससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट की मंशा भी है काले धन को रोकथाम करने की है। और बाकी जो टैक्स स्लैब रेट में जो अपेक्षाएं थी लोगों को कि इसमें काफ़ी राहत मिलनी चाहिए थी क्योंकि अभी चुनावी मौसम था तो ये उम्मीद थी कि स्लैब रेट जो थी वो बढ़ने के 3 तो नहीं 4-5 लाख रुपये तक की लिमिट की थी अपेक्षा, जो अपेक्षा पे खरीद नहीं उतरी है सरकार और 3 लाख रुपये तक ही करे हैं। जो हर साल क्या है गवर्नमेंट 50,000 रुपये के आसपास ही स्लैब रेट इंक्रीज करती आई है वैसे ही कर रही है। तो उसमें कुछ खास तौर पे लोगों को राहत प्रदान नहीं हुई है। कैशलेस में तो ज़रूर अब गवर्नमेंट ने उसको करने की मध्यम वर्ग वालों के लिए कैसा रहेगा? ये मध्यम वर्ग वालों को ये मिल गई है कि 5 लाख तक जो 10% तक की स्लैब होती थी वो कम होकर 5% हो गई है, तो सीधे आपके टैक्स में आधा हो गया है 10 से 5%, तो ये ज़रूर राहत मिली है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए जो 3 वर्ष मान्य होते थे वो अब 3 वर्ष या उससे ज़्यादा मान्य होते थे वो अब 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिए हैं। तो 2 वर्ष से ऊपर होते ही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूटे गवर्नमेंट ज़्यादा प्रदान करती है, तो ये मिडिल क्लास को फ़ायदा पहुँचाया गया है।